हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, गर्मी आ गई है और गर्मियों में हमारी स्किन टाइट, ब्राइट और लाइट बने, ये सभी चाहते हैं। तो आज मैं क्या लेकर आई हूँ? आज मैं लेकर आई हूँ दही का फेशियल। जी हाँ फ्रेंड्स, दही जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, और दही में लैक्टिक एसिड होता है जो हमारी स्किन की को ब्राइट बनाता है, लाइट बनाता है और व्हाइटनिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। दही वैसे भी कहा जाए तो गर्मियों में छाछ, लस्सी और खाने में अगर ली जाए तो हमारे ब्यूटी हार्मोन्स को दही बढ़ाता है। तो दही को हमें फेशियल के तौर पर अगर हम करते हैं तो दही हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी इंग्रेडिएंट्स है। तो दही का फेशियल कैसे करना है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें अपने फेस को क्लीन कर लेना है। उसके बाद हम अपने रोज वाटर से अपने फेस को क्लीन कर लीजिए। अच्छे से क्लीन करने के बाद हमें बनाना है क्लींजर। तो दही का क्लींजर बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें सिंपली एक चम्मच लेनी है दही। दही होना चाहिए बिल्कुल गाढ़ा। दही घर का हो तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि घर का दही जो होता है उसमें कोई भी, क्योंकि बाहर के दही में मैदा भी मिक्स होती है, कभी कभी कहते हैं कि गोंद भी मिक्स कर देते हैं, पर घर के दही में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसीलिए मैं कहूंगी कि घर का दही ही लें। दही अगर घर का जमा रहे हैं तो थोड़ा पतला हो सकता है, तो सबसे पहले छलनी में इसे थोड़ी देर रख दीजिए ताकि इसका एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकल जाए और हमें गाढ़ा दही मिल जाए। तो सबसे पहले क्लींजिंग के लिए हमें एक चम्मच दही लेना है और इससे हमें अपने पूरे फेस की करनी है क्लींजिंग। अच्छे से 5 मिनट के लिए क्लींजिंग कीजिए ताकि दही जो है हमारे पूरे पोर्स तक अच्छे से अंदर तक समा जाए और हमार को अच्छा रिजल्ट मिले। 5 मिनट इससे क्लींजिंग करने के बाद हमें फेस को वॉश कर लेना है, या गीले कपड़े से, गीले कॉटन के हैंकी से अच्छे से इसको क्लीन कर लीजिए। उसके बाद हमें बनाना है स्क्रब। स्क्रब बनाने के लिए हमें चाहिए चावल का आटा। चावल का आटा हमारी स्किन को टाइट करने का काम करता है, स्किन को व्हाइटनिंग के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। तो हमें 1 चम्मच चावल का आटा लेना है, उसमें दही 2 चम्मच मिक्स कीजिए और थोड़ा सा एलोवेरा जेल इसमें मिला दीजिए। एलोवेरा जेल जो है हमारी स्किन को हाइड्रेट रखने का काम करता है, हमारी स्किन को व्हाइटनिंग के लिए, फेयरनेस के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। और गर्मियों में एलोवेरा अगर यूज किया जाए तो हमारी स्किन को ये ठंडक भी देता है। उसके बाद जो दही है, दही में जो लैक्टिक एसिड होता है वो हमारी स्किन को व्हाइटनिंग के लिए, ब्राइटनिंग के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। तो ये तीनों का स्क्रब जो है हम बना लेंगे इसको मिक्स करके, और हमें स्क्रबिंग करनी है 5 मिनट के लिए अपने फेस की। आप नेक तक भी कर सकते हैं, मैं नेक तक करके इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही ये फेशियल दोबारा से आप लोगों के लिए, ये वीडियो बनाने के लिए मैंने ये किया है, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले ही इसे किया है, तो इसलिए मैं नेक तक नहीं कर रही हूँ। आप नेक तक इसे कीजिएगा। तो स्क्रबिंग कीजिए, उसके बाद अच्छे से स्क्रबिंग के बाद फिर आप अपने स्किन को गीले टॉवल से साफ कर लीजिए। अब बारी आती है क्रीम की। तो क्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच दही। दही में आप एलोवेरा जेल मिला लीजिए और हमें थोड़ा सा इसमें मिलाना है बेसन। जी हाँ, बेसन जो है वो हमारी स्किन, अगर जैसे मौसम चल रहा है तो बहुत ही ज्यादा ड्राई होती जा रही है, तो ड्राइनेस को दूर करने के लिए बेसन बहुत ही उपयोगी भी है, साथ ही फेयरनेस के लिए भी बहुत ही उपयोगी होता है। तो इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके एक अच्छी सी क्रीम बन जाएगी। इस क्रीम से अब हमें मसाज करनी है 10 मिनट के लिए अपने पूरे फेस की, और उसके बाद अच्छे से अपर डायरेक्शन में हम मसाज करें, पूरा टाइम दें। उसके बाद हम फेस को वॉश कर लें या गीले टॉवल से साफ कर लें। उसके बाद हमें चाहिए पैक। अब पैक बनाने के लिए हमें दही लेना है और इसमें मिलाना है 1 चम्मच बेसन। इसका अच्छा सा पैक बना लीजिए और अपने पूरे फेस पे लगा लीजिए। उसके बाद आपको 10 से 15 मिनट के लिए इस फेस पैक को सूखने दीजिए तसल्ली से। फिर अपने फेस को आपको वॉश कर लेना है और अब आप देखेंगे कि कितना अच्छा ग्लो आपको एक ही बार में मिल जाएगा। दही का जो ये फेशियल है,
इन गर्मियों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है और ये हमारी स्किन के लिए, स्किन को कलर को ब्राइट करने के लिए, वाइटनिंग के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। अगर पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो भी दही का फेशियल बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।